हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ राठौड़ ऑफ बीकानेर। तो बीकानेर का जो दोस्तों इतिहास है उसके बारे में बात करेंगे और यहाँ के जो शासक थे उनके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट शासक हैं दोस्तों, जो कि आरएएस मेंस 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी जितने भी शासक यहाँ पर आए दोस्तों बीकानेर के टाइम पर, वो भी इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जैसा कि हम सिलेबस में अब तक में जो है मारवाड़ और मेवाड़ ये कंप्लीट कर चुके हैं, अभी बीकानेर के शासनकाल को भी थोड़ा कंप्लीट करेंगे। लेकिन दोस्तों, जितने मेवाड़ और मारवाड़ इम्पोर्टेंट थे और वो आरपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछने का उसका पैटर्न है, तो दोस्तों मेरा ये कहना है आपको कि वीडियो देखने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आरपीएससी मेनली मेवाड़ और मारवाड़ पर कॉन्सनट्रेट करती है और जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस है वो मेवाड़ और मारवाड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप जो है अब तक की वीडियो जो ऑलरेडी आ चुकी है उसको जा करके देख लीजिए। ये मारवाड़ डायने के ऊपर वीडियो लास्ट थी, इससे पहले जो है दोस्तों मेवाड़ के ऊपर पार्ट वन और पार्ट टू में वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है राजा जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मेवाड़ में। ठीक है, मारवाड़ में सिर्फ कुछ ही मालदेव हुआ, चंद्रसेन हुआ, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट थे ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये सीरीज़ काफ़ी पहले से शुरुआत हो चुकी है इसकी। ठीक है, स्टोन एज से हमने शुरुआत की थी, स्टोन एज राजस्थान से शुरुआत की थी, फिर इंडस वैली राजस्थान में जो भी था उसका पीरियड और इंपॉर्टेंट जो भी साइट्स थी जो कि आपके आरएएस मेंस एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सब चीज़ें कवर की गई है। ठीक है, लाइन वाइज ये सारी सीरीज दोस्तों इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए चलाई जा रही है। लिंक दोस्तों इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो में। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक आरएएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम जो टेलीग्राम चैनल है उसको नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितनी भी आरएएस मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो भी बुक्स हैं वो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके साथ में जो कॉम्पिटिटर्स अकेडमी का मटेरियल है दोस्तों, जो आरएएस मेंस एग्जाम का मटेरियल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि इंस्टा मोजो वेबसाइट पर जाकर के आप बाय करना चाहे तो बाय कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों यही लिंक मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दिया था, जिसमें ये पहला ही लिंक जो है कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का है दोस्तों, जो जिसमें आपको आरएएस मेंस एग्जाम के नोट्स मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में अगर आपको सिर्फ राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर चाहिए तो उसका लिंक भी मिल जाएगा। बाकी दोस्तों जो है अलग अलग लोगों द्वारा जो काम किया गया है इंग्लिश मीडियम के सेक्टर में, उन सभी इंपॉर्टेंट बुक्स का लिंक है मैंने पोस्ट कर दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर के बाय करना चाहते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पर ये सब मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी आरएएस से रिलेटेड जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा आपको। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है यूपीएससी और अदर एग्जाम से रिलेटेड भी चीज़ें पोस्ट की जाएगी, तो आप जो है इन दोनों टेलीग्राम ग्रुप्स के साथ जुड़ जाइए। अब बात करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जो कि जो है राजस्थान में बीकानेर के इतिहास से रिलेटेड है। हम अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों, जिसमें अभी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ में भी दो हो चुकी है। अब बात करते हैं हम राव बीका से शुरुआत होगी, क्योंकि इन्होंने ही स्थापना की थी बीकानेर की। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मैं इसको पहले बड़ा कर लेता हूँ और आपको, ताकि प्रॉपरली विजिबल हो सके। अब देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे राजा जो है ना उतने इंपॉर्टेंट नहीं है मेन्स की दृष्टि से, मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कुछ ही किंग है जिनके बारे में मैं बता दूंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बाकी देखिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का योगदान होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक आरएएस मेंस के पुराने पेपर का जो 2013 और 2016 और 2018 के पेपर्स का प्रॉपरली एनालिसिस नहीं किया है, हमारी चैनल पे भी इसकी वीडियोस बनी हुई हैं, आप जाकर के देख सकते हो। अगर वो एनालिसिस नहीं किया है तो एनालिसिस कर लो, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि इनकी जो है उतनी रिलेवेंस नहीं है आरएएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आरएएस में उतना नहीं पूछा जाता है बीकानेर के शासकों से। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों बीकानेर के शासकों में उनके द्वारा जो काम कराया गया वो भी अपन कवर करने की फिर भी कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी देखो राव बीका, ये जो बीका थे उनके बारे में देखते हैं और मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये कम इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो जल्दी पढ़ेंगे इसको। अब देखो, ऑन अ कमेंट ऑफ जोधपुर रूलर राव जोधा, बीका वो बीका हु वॉज सन ऑफ जोधा। देखिए
आपको पता ही होगा, अगर आपको मारवाड़ का इतिहास अब तक पढ़ लिया आपने, तो मारवाड़ में जो है राव जोधा था, उसने जोधपुर की स्थापना की थी, ठीक है। और जोधपुर की स्थापना तो की थी राव जोधा ने, लेकिन इनके जो पुत्र थे उनका नाम था बीका। तो बीका ने खुद ने जो है अपना खुद का अलग से जो है बीकानेर राज्य बना लिया था। तो बीका हु वॉज सन ऑफ जोधा लेफ्ट जोधपुर, उन्होंने जोधपुर छोड़ दिया था, और अलॉन्ग विद हिज अंकल, उनका नाम था कंधाल एंड यंगर ब्रदर बीदा, इसके साथ में जो है बीका चला गया और इसने बीकानेर की स्थापना की थी, ठीक है। अब बीका टुक एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गोधरा पांडु एंड सारन पुला इन बीकानेर, एंड ही सपोर्टेड पांडु गोधरा एंड ऑक्यूपाइड बीकानेर रीजन, ठीक है। तो इन्होंने ले दे के जो भी है बीकानेर के रीजन को जो है कब्जा कर लिया था बीका ने, राव बीका जो भी थे इनके द्वारा। अब आफ्टर दैट द कोरोनेशन ऑफ रूलर ऑफ बीकानेर वॉज डन बाई गोधरा जाट्स, ठीक है। तो ये गोधरा जाट्स के द्वारा इनका, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया था ये पांडु गोधरा का, ठीक है, तो इसलिए जो बीकानेर के जो भी रूलर बनते थे उनका कोरोनेशन कौन करते थे, ये गोधरा जाट करते थे। अब बीका वांटेड कोदेम देसर टू बी हिज कैपिटल, बट ड्यू टू ऑपोजिशन ऑफ भाटीज ऑफ पुगल ही मेड बीकानेर हिज कैपिटल, ठीक है। तो ये कुछ उस टाइम के कॉन्फ्लिक्ट्स थे जिसके वजह से बीकानेर को इसकी कैपिटल बनाया गया था राव बीका के द्वारा, ठीक है। विद द ब्लेसिंग ऑफ कर्णी माता ही एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट राठौर स्टेट। अब देखिए ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेट तो बनाई, लेकिन किस माता की कृपा थी, तो ब्लेसिंग थी कर्णी माता की, ठीक है। लेकिन देखिए मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, जो चीज़ें अंडरलाइंड होंगी ऑलरेडी इस PDF में, वही मान के चलिए पेपर में क्वेश्चन पूछा जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इनको हम जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट होंगे जो फ्यूचर में इसको प्रीलिम्स की दृष्टि से भी देखेंगे, तो उनको उनके लिए काम का है ये, ठीक है। बीकानेर का इतिहास भी काम का है उनके लिए, ठीक है। ही एस्टेब्लिश्ड बीकानेर इन 1488 AD एंड द रेस्पेक्टिव हिंदू कैलेंडर, हु हिंदू कैलेंडर वॉज सेकेंड डे ऑफ लाइट साइड ऑफ वैशाख मंथ इन द विक्रम कैलेंडर 1545। तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था बीकानेर को 1488 में। कभी कभी होता है दोस्तों कि चार पांच जो है आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बीकानेर की स्थापना कब हुई, जोधपुर की स्थापना कब हुई, उदयपुर की स्थापना कब हुई, उसको जो है मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन बना देंगे और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जयपुर की स्थापना कब हुई थी और कौन से राजाओं के द्वारा कराई गई थी, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आमतौर पर RAS के प्रीलिम्स एग्जाम में ज़्यादा हैं, मेंस का कह नहीं सकते हैं दोस्तों। अगर आ जाए तो आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि राव बीका के द्वारा ही बीकानेर की स्थापना की गई थी, वो भी 1488 AD में, ठीक है। देयरफॉर इन बीकानेर द फेस्टिवल ऑफ आखा तीज इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। इतना ध्यान रखो कि यार बीकानेर में जो फेस्टिवल है उसमें आखा तीज की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन हुआ था यहाँ पे टेम्पल ऑफ भैरू जी इन कोदेम देसर। तो ये कोदेम देसर जो है, ये प्लेस जो है कहाँ पे आ रहा है, ये बीकानेर में आ रहा है, बीकानेर के साइड में। तो ये थोड़ा ध्यान रखो। बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीकानेर द प्लेस वॉज कॉल्ड राती घाटी, राती घाटी का कहलाता था ये, मतलब बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीकानेर, मतलब बीकानेर का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ उससे पहले इस एरिया को जो है राती घाटी कहा जाता था, ठीक है। तो राती घाटी में युद्ध वुद्ध होते रहते थे, राती घाटी का युद्ध भी है, एक फेमस है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि वो क्यों फेमस है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे द रेजिडेंस ऑफ बीका वॉज कॉल्ड बीकाजी की ठेकरी, ठीक है। तो जो बीका का रेजिडेंट था उसको बोलते हैं बीकाजी की ठेकरी। बीका की मदर का नाम ये था, वाइफ का नाम ये था। ये चीज़ें नहीं पूछती है RPSC RAS मेंस एग्जाम में, ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती है। अंकल का नाम ये था, अंकल देखिए RPSC कॉन्सेंट्रेट करती है आर्ट एंड कल्चर पे, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पे पूछती है, या फिर किसी राजा का क्या योगदान रहा था इतिहास में, कुछ इम्पोर्टेंट योगदान हो कला एंड संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब पूछती है RPSC, नहीं तो फिजूल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। बिकॉज अंकल वॉज किल्ड इन द वार अगेंस्ट सारंग खान ऑफ हिसार कंधेल, द मोन्यूमेंट ऑफ कंधेल इज एट सहवा चूरू, ठीक है। तो ये कंधेल जो है
बीका के अंकल थे, ठीक है, कंदेल, जिनके साथ में बीका आया था ना बीकानेर की स्थापना करने, तो कंदेल का सहवा में जो है चूरू में मॉन्यूमेंट बनाया था। अब देखिए होता क्या है कि राजस्थान में आरएएस एग्ज़ाम तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके अलावा और भी छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं वहाँ पे, ये जो पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तब क्या है, छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बीकानेर के इतिहास में भी घुस घुस के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे वो, ठीक है। सहवा चूरू इज़ अ होली प्लेस ऑफ सिख, सिख का जो है इंपॉर्टेंट प्लेस है सहवा चूरू में, ठीक है। नेक्स्ट जो रूलर बने थे वो थे लूनकरण, लूनकरण जो है 1505 से 1526 एडी तक रहे थे, ही डिफीटेड राव जेत्सी ऑफ जैसलमेर, तो जो जैसलमेर का राव जेत्सी था उसको डिफीट किया था लूनकरण ने, और ही कॉल्ड कर्ण ऑफ कलयुग, इनको कहा जाता था कर्ण ऑफ कलयुग भी कहा जाता था ड्यू टू हिज लिबरल नेचर, तो क्योंकि कर्ण जो है अगर आप देखोगे तो उसका लिबरल एटीट्यूड था महाभारत में, ठीक है, इस वजह से जो है कर्ण को कर्ण ऑफ कलयुग जो है इनको कहा जाता है लूनकरण को, क्योंकि इनका भी काफ़ी लिबरल नेचर हुआ करता था। अब जेत्सी के बारे में थोड़ा सा देख लो, जेत्सी थोड़ा ठीक ठाक किंग था ये बीकानेर के शासनकाल में देखें तो जेत्सी जो है 1526 से 1541 तक रहा, ठीक है, 41 41 41 तक रहा, ही कोऑपरेटेड राणा सांगा के साथ में इन्होंने कोऑपरेशन किया था इन द बैटल ऑफ खानवा। अब आपको पढ़ाया ही था मैंने पूरा मेवाड़ का इतिहास, उसमें राणा सांगा का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान था, फिर बाबर के साथ में युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ खानवा कहते हैं उसको 1527 एडी में, तब क्या है जेत्सी जाकर के जो है सपोर्ट किया था राणा सांगा को, सेंडिंग हिज सन कल्याणमल इन इट, ठीक है, तो जो कल्याणमल था जेत्सी का पुत्र था कल्याणमल, उसको भेजा था इस युद्ध में बैटल ऑफ खानवा में। तब मैंने बोला था पाती पर्वन प्रथा है, और पाती पर्वन में जितने भी किंग जो थे राजस्थान के सबको बुलाया गया था तब, तो वो ध्यान रखना ताकि आपसे अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि कल्याणमल जो है ये बीकानेर का की साइड से रिप्रेजेंटेटिव था बैटल ऑफ खानवा में। और 1534 एडी में यह हुआ कि हुमायूं ब्रदर कामरान ऑक्यूपाइड भटनेर, प्रेजेंट हनुमानगढ़ जो है आज का जो हनुमानगढ़ है जिसको पहले जो है भटनेर कहा जाता था, उसको कामरान जो कि हुमायूं का भाई था उसने कैप्चर कर लिया था, फिर कामरान आल्सो अटैक्ड ऑन बीकानेर बट राव जेत्सी डिफिटेड हिम एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट वार इज ऑब्टेंड फ्रॉम बुक ऑफ बिठू शिवा नेम्ड राव जेत्सीरो चंद, ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है इस वार के बारे में वो इस किताब से मिलती है, ठीक है, बिठू सुजा नाम से है एक तो किताब, और दूसरी है जिसको जिसका नाम है राव जेसीरो चंद, ठीक है, तो इससे इस वार के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कामरान और जेत्सी के बीच में युद्ध हुआ था और जेत्सी जीत गया था, ठीक है, और उसने आज़ाद करा दिया था इसको भटनेर को, जिसका बाद में नाम जो है क्या रखा गया था हनुमानगढ़ रखा गया था, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे बताया हुआ ड्यूरिंग इन्वेजन ऑफ कामरान ओवर भटनेर द फोर्ट्समैन ऑफ भटनेर वॉज खेत सिंह कंधाल था, खंडाल, ठीक है, तो खेत सिंह कंधाल जो था उसका फोर्ट मेन था, फोर्ट मेन था मतलब चौकीदार टाइप से कह सकते हो, फोर्ट का जो भी है जिसके हाथ में फोर्ट का कंट्रोल था उस टाइम पे खेत सिंह कंधाल था जब कामरान ने अटैक किया था भटनेर के ऊपर। तो द बैटल ऑफ राती घाटी वॉज फोर्ट बिटवीन कामरान एंड जेत्सी इन बीकानेर में, ठीक है, तो मैं इसी युद्ध की कह रहा था बैटल ऑफ रातिघाटी का, इसमें क्या हुआ था कामरान और जेसी के बीच में युद्ध हुआ था बीकानेर में, ठीक है। अब द बैटल ऑफ पहुबा, तो पहुबा का जो पहेबा पहेबा नाम से जो भी प्लेस है 1541 में एक बैटल हुई थी, और इसमें यह हुआ था कि इट वॉज फॉट बिटवीन राव जेत्सी और मालदेव, तो मतलब जेत्सी के युद्ध हुए थे कुछ एक, ठीक है, तो जेत्सी थोड़ा ठीक ठाक सा किंग था मतलब बीकानेर की साइड से, एंड राव जेत्सी और मालदेव के बीच में ये युद्ध हुआ था पहेबा का, जिसमें जेत्सी हार गया था, युद्ध का सामना जब किया तो जेत्सी हार गया था, क्योंकि मालदेव ने तो आपको पता ही होगा बहुत सारे युद्ध जीते थे, करीब राजस्थान में 52 युद्ध जीते थे शायद, ठीक है, उसने लगातार युद्ध पे युद्ध जीते थे और बहुत बड़े लेवल पे जो है राजस्थान के हिस्से में जीत हासिल की थी, ठीक है। और मालदेव ऑफ जोधपुर राव जेत्सी डाइड इन द बैटल, तो इस बैटल में जेत्सी हार गया था और मारा भी गया था। फिर इसका पुत्र जो था कल्याणमल था जो कि 1541 से लेकर 1574 एडी तक रहा, ठीक है, और हिज यंगर ब्रदर भीम एनकरेज्ड शेर सूरी, तो इसका जो छोटा भाई था ना कल्याणमल का यंगर ब्रदर था भीम,
उसने इनक्रेज किया था शेरशाह सूरी को टू इन्वेड जोधपुर, कि जोधपुर को इन्वेड किया जाए, और देयर फॉर द रिजल्ट वॉज बैटल ऑफ गिरी सुमेल। तो गिरी सुमेल का युद्ध में आपको पता है कि अलग अलग एरिया से आकर के जो है गिरी सुमेल का युद्ध जो है उसको लड़ने के लिए शेरशाह सूरी को तैयार किया गया था। ये युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में, ठीक है, क्योंकि मालदेव से सारे के सारे आसपास के किंग जो थे, छोटे छोटे राजा थे, वो सब परेशान थे। तो वो सब मिलकर के गए और उन्होंने मतलब दरखास्त की कि भाई आप जो है शेरशाह सूरी से मतलब कहा कि आप जाकर के युद्ध करें मालदेव से, ताकि जो है हम सब जो है फ्री हों, मुक्त हो जाए। तो इस तरीके से ये युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का, जिसके बारे में हमने मारवाड़ के इतिहास में देखा था। अब भीम वॉज कॉल्ड एज गई भोमरा होमरो भादू, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा देख लो, विच मीन्स वन हु इज़ केपेबल ऑफ रिकेप्चरिंग हिज लैंड, ठीक है। तो भीम को कहा जाता है इस नाम से। और इसके बाद में कल्याणमल वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ बीकानेर है, हु ऑक्यूपाइड द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर। तो ये बात आपको थोड़ा सा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हो इस वीडियो को तो ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आमतौर पर प्रीलिम्स एग्जाम में या फिर राजस्थान के छोटे मोटे एग्जाम में, कि कल्याणमल जो था वो पहला रूलर था बीकानेर से जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। सो ही पार्टिसिपेटेड इन द नागौर कोर्ट ऑफ अकबर, ठीक है। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नागौर कोर्ट में जो है अकबर द्वारा ये नागौर कोर्ट हुई थी, उसमें कल्याणमल ने पार्टिसिपेट किया था। और उस टाइम पे चंद्रसेन ने भी पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन वो जो है भाग गया था उस मीटिंग से, जो कि मारवाड़ की साइड से पार्टिसिपेट कर रहा था। इन 1570 AD एंड एस्टेब्लिश्ड मार्शल मेरिटल रिलेशनशिप विद मुगल्स। तो इसने भी जो है मुगल्स के साथ में जो है मेरिटल रिलेशनशिप जो है निभाई थी। और इस तरीके से ये लोग करते थे कि शादी ब्याह करा देते थे एक दूसरे के परिवार में, और ताकि जो है शांति बनी रहे दोनों ये किंगडम्स के बीच में, ठीक है। अब देखो राय सिंह की बात करते हैं, 1574 से 1612 AD तक राय सिंह थे। अब राय सिंह ने जो है डिफीट किया था कुछ लोगों को, तो राय सिंह के इतिहास में थोड़ा बहुत कुछ देखने को मिलता है। इन्होंने डिफीट किया था मिर्जास को ऑफ गुजरात, तो गुजरात में कुछ मिर्जा विर्जा थे उनको डिफीट किया था बैटल ऑफ खातोली में। फिर उसके बाद ही सप्रेस्ड सुल्तान देवरा ऑफ सिरोही, तो सुल्तान देवरा को भी हराया। और ही वॉन सिवान फोर्ट बाई इन्वेडिंग राव चरण चंद्र सेन ऑफ जोधपुर, ठीक है। तो इन्होंने सिवान फोर्ट को भी जीता था। तो राय सिंह के टाइम पे थोड़ा बहुत बीकानेर की तरफ से थोड़ा बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कि इनके द्वारा कुछ योगदान रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है ये राय सिंह के टाइम पे ही देखते हैं, राय सिंह के टाइम पे और भी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे राय सिंह के। तो ही बिकेम मनसबदार ऑफ 4000 इन अकबर्स रेन, ठीक है। तो अकबर के का जब एरा चल रहा था ना, अकबर का पीरियड था, तो उस टाइम पे उसने 4000 जो है मनसबदार, इसको मनसबदार बना दिया था राय सिंह को। और 4000 जो है बीघा टाइप से कुछ जमीन दे दी थी। देखो उस टाइम पे यही होता था कि अकबर जो है ऐसे मानसिंह जो है जयपुर की साइड से जो है आमेर का जो राजा था मानसिंह, उसको भी बना दिया था और काफ़ी सारे जो है मनसबदारी दे दी थी काफ़ी बड़े एरिया की, ठीक है। तो 5000 इसके बाद में जो है मनसबदारी जो है राय सिंह को जहांगीर के रेन में, मतलब जहांगीर के पीरियड में दी गई थी, ठीक है। तो जो 4000 मनसबदारी थी वो बढ़ा करके ये 5000 कर दी गई थी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखो तो रखो, बाकी ये उतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। देखो ये शासक कि आपसे जो है RAS मेंस एग्जाम में पूछ ही ले, ठीक है। तो ही अकम्पनीड हिज फादर कल्याणमल इन द नागोर्स कोर्ट ऑफ अकबर। तो इनके जो पिता थे कल्याणमल, उन्होंने नागौर कोर्ट में जो है अकबर के नागौर कोर्ट में पार्टिसिपेट किया था। और अकबर फ्रॉम देयर टुक हिम टू आगरा, ठीक है, आगरा लेकर के चला गया था। तो अकबर जो है दोस्तों इसके बाद में राय सिंह को उठा के आगरा इसलिए लेकर के चला गया ताकि जो है राय सिंह जो है अकबर का मतलब एक तरह से चेला बन जाए। केला समझ लो यार, अकबर यही तो करता था। अकबर क्या है, इनके साथ में मैरिटल रिलेशंस तो बनवा लेता था मुगल
मुगल और राजपूत के टाइज बनने लगे थे अकबर के टाइम से। फिर इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, जो जितने भी राजस्थान की डायनेस्टीज थी उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पे अधीनता स्वीकार की थी अकबर की। तो फिर अकबर जो है इनके साथ में कोई रिलेशन बनाता था, फिर वो यही होता था कि उनका जो जो भी राजाओं के पुत्र होते थे वो जाकर के आगरा की फोर्ट में अपनी या तो उनको जो है दोस्तों नवरत्न बना दिया जाता था, नवरत्न ठीक है, या फिर दोस्तों उनको जो है कोई ना कोई बड़ा स्थान दे दिया जाता था अकबर की कोर्ट में। तो इस तरीके से चलता था उस वक्त पे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1572 AD अकबर अपॉइंटेड हिम एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर। तो जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिया था अकबर ने राव राय सिंह को, और इसके अलावा गिवन हिम द टाइटल ऑफ महाराजा। तो इस तरीके से महाराजा का टाइटल भी दिया और एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिया था जोधपुर का। ही डिड द मिलिट्री कैंपेन ऑफ गुजरात काबुल एंड कंधार फ्रॉम मुगल साइड। तो आपको समझ में आ रहा होगा राय सिंह ने और क्या क्या काम किए थे। तो गुजरात काबुल और कंधार में भी अटैक किए थे मुगल की साइड से। मुगल्स के होने का एक खास फायदा यही था कि इंडिया की जो बाउंड्रीज थी वो काफ़ी प्रोटेक्टेड थी। मुगल्स टर्क्स टर्क्स और मुगल्स के टाइम पे ये खास बात होती थी कि जो राजस्थान की साइड से हो या फिर इंडिया, उस टाइम पे बहुत बड़ा लैंड होता था। सिर्फ इंडिया इतना ही नहीं था दोस्तों, सिर्फ इंडिया जो है दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडिया का इधर की साइड में भी पाकिस्तान वाला हिस्सा भी इंडिया का ही था ठीक है। तो इवन अफगानिस्तान अफगानिस्तान और ईरान तक भी इंडिया की काफ़ी दूर दूर तक बाउंड्रीज थी। तो उस वक्त पे जो है मुगल्स ने काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखा था बाउंड्रीज पर। तो वो यही करते थे, मुगल्स इन्हीं राजाओं को भेज दिया करते थे मिलिट्री कैंपेन के लिए ठीक है। अब 1577 AD में यह हुआ कि अकबर गिवन हिम 51 परगना, और ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ खुसरो ही वॉज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आगरा बाई जहांगीर। तो इस तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी आगरा की भी जहांगीर द्वारा ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये सब चीज़ें घटनाएं घटती रहती थी ये राजाओं के टाइम पे। ये काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट है, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखिए दोस्तों आपको चूंकि RS मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पढ़ना है इस वीडियो में, तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है लाइटली लें इसको, बस सुनते जाइए, ज़्यादा नोट्स बना करके जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो काम का होगा मैं अभी बता दूंगा आपको। ही कंस्ट्रक्टेड जूनागढ़ फोर्ट इन बीकानेर फ्रॉम 1589 टू 1594 AD एंड इन जूनागढ़ फोर्ट ऑफ बीकानेर नियर सूरज पोल द राइसिंग यूलोजी इज देयर विच वॉज रिटन बाई अ जैन सेज नेम्ड जेता। अब ये से क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, देखिए 2 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन है। अब मैं बता देता हूँ क्यों है, इसलिए रीजन है। एक तो ये यहाँ पे जूनागढ़ फोर्ट की बात हुई है जो कि एक कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो कंस्ट्रक्शन जो है एक, चूंकि जूनागढ़ फोर्ट का जो है इतिहास है अपना अपने आप में, और फोर्ट करके जो है ये हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है ठीक है, आपको पता ही होगा। तो फोर्ट जो है इंपॉर्टेंट है, तो बीकानेर में जो फोर्ट है उसको बोलते हैं जूनागढ़ फोर्ट, और ये बनवाया किसके द्वारा गया था, तो राय सिंह के द्वारा। इसमें राय सिंह यूलोजी भी बनी हुई है, और यूलोजी बनाई गई थी एक जैन सेज के द्वारा, उसका नाम था जेता, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। फिर करमचंद करके जो थे एक आर्किटेक्ट थे जूनागढ़ फोर्ट के। अगर कल को आपसे जूनागढ़ फोर्ट पूछ ले और 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये सब पॉइंट लिख के आना है आपको ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और इसी तरीके से RPSC जनरली RS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछना पसंद करती है। अब यहाँ पे मुंशी देवी प्रसाद हैं जो कि एंटाइटल्ड किए गए थे, एंटाइटल्ड हिम एज कर्ण ऑफ राजपूताना। तो राय सिंह को कर्ण भी बोलते थे, या कर्ण ऑफ राजपूताना का टैग दिया गया था मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। ही डिफीटेड सुल्तान देवड़ा, इसको भी हराया था राय सिंह ने ठीक है, सुल्तान देवरा को, हु वॉज रूलर ऑफ सिरोही। तो छोटे मोटे राजाओं को भी हराया था इन्होंने इन द बैटल ऑफ दत्तानी इन 1583 AD एंड इन दैट बैटल महाराणा प्रताप यंगर ब्रदर जगमाल वॉज ऑल्सो इन मुगल कंपनी में था ठीक है। तो बैटल ऑफ दत्तानी में जो है इन्होंने इस तरह से सुल्तान देवड़ा को भी हराया था। और यहाँ पे जो इसके अलावा जो बताया गया है कि उस बैटल में महाराणा प्रताप का जो छोटा भाई था जगमाल वो भी था ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट बताया गया है कि भाई ही रोट
जो राय सिंह है उसके द्वारा कुछ काम करवाया भी गया था, कि बुक भी लिखी थी उसने, उसका नाम था राय सिंह महोत्सव, ठीक है। और इसके अलावा ही रोट अ कंपनी कमेंट्री नेम बाल बोधिनी नाम से कमेंट्री भी लिखी थी ऑन ज्योतिष रत्नमाला में ऑफ श्रीपति, ठीक है। ये पॉइंट थोड़े से ऐसे जो भी देखिए, लिटरेरी वर्क भी होता है, एक लिटरेरी वर्क होता है, एक होता है पेंटिंग टाइप का वर्क होता है, बुक्स लिखी हुई होती है, लिटरेचर होता है, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर फोर्ट्स होते हैं, या फिर कोई टेंपल होता है जिसका कंस्ट्रक्शन किसी राजा के द्वारा कराया गया था, तो थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है उस राजा की, ठीक है। अब देखो, जेसम जो है, जेसम हु वॉज इन द कोर्ट ऑफ राइसिंग रोट अ बुक, उसने भी बुक लिखी थी। अब इसका बहुत बड़ा सा नाम है दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिए, मेरे को पढ़ना नहीं आएगा इसको, ठीक है। अब हिज यंगर ब्रदर जो है पृथ्वीराज राठौड़, इसका थोड़ा सा इतिहास ध्यान रखना, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों, ठीक है। ये जो पृथ्वीराज यहाँ पे आपको दिया हुआ है, पृथ्वीराज राठौड़ है, ये इनके यंगर ब्रदर थे राय सिंह के, और वन ऑफ द नवरत्नाज में से थे, ठीक है। वन ऑफ द नवरत्नाज 9 प्रीशियस स्टोन ऑफ अकबर, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा थी, ठीक है। ही वॉज गिवन गागरौन फोर्ट भी दिया गया था इनको झालावाड़ का, बाई अकबर एंड हिज इम्पोर्टेंट क्रिएटिव वर्क आर, तो इनके द्वारा कुछ वर्क किए गए थे, कुछ काम लिखे गए थे, ठीक है। एक तो था बेली कृष्ण रुक्मणी री, ये एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है दोस्तों, ये पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जाम टाइप में, हो सकता है मेन्स में भी आपसे पूछ ले। दुर्सा आड़ा कॉल्ड इट फिफ्थ वेदा भी बोलता है, दूरसा आड़ा के द्वारा इसको फिफ्थ वेदा कहा गया था, एंड 19th पुराण भी कहा जाता है, एंड कर्नल जेम्स टोड ने तो ये तक कहा है कि भाई इट हैज फोर्स ऑफ 10,000 horses, ठीक है। तो बेली कृष्ण रुक्मणी री जो है इज इम्पोर्टेंट क्रिएटिव वर्स थे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे दशम भगवत रा दुआ, ये नाम से भी इन्होंने कुछ किताब लिखी थी, और इसके अलावा गंगा लहरी ये भी लिखी थी, ठीक है। किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने। अब मैं राय सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं पृथ्वीराज राठौड़ की बात कर रहा हूँ। अब चूंकि ये दोस्तों नवरत्न था और अकबर के कोर्ट में जो है हाजिर होता था, तो इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यही सोचना होता है कि आरपीएससी एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करना चाहती है, और कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखो यहाँ पे एलपी टेसिटोरी जो है उन्होंने एंटाइटल किया था इसको पृथ्वीराज राठौड़ को, उसने कहा था पृथ्वीराज राठौड़ को हेरोइज ऑफ डिंगल, ये थोड़ा सा टर्म जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो पृथ्वीराज राठौड़ पे 5 या 2 नंबर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेनली तो मैं ये मान के चलूंगा 2 नंबर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पृथ्वीराज राठौड़ का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आप कर्ण सिंह की बात कर लेते हैं, जो 1631 से 1669 AD तक रहा। अब ड्यूरिंग अटक कैंपेन ही वॉज एंटाइटल्ड एज जय जंगलधर बादशाह, ठीक है। तो उसको ऐसा जय जंगलधर बादशाह कहा जाता था अटक कैंपेन के बाद। और ही फोट विद अमर सिंह राठौड़ ऑफ नागौर, उससे उसकी फाइट हुई थी इन द फेमस बैटल मतेड़ी री राड। अब देखो यार, ये जो है ना प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है मतेड़ी री राड, ठीक है। ये इसके नाम से जो है कैंपन हुआ था, तो ये जो युद्ध हुआ था ना इसके बारे में जनरली पूछा जाता है, मतेड़ी री राड जो है ये युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो अमर सिंह राठौड़ जो कि नागौर का था उसके और ये कर्ण सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये मतेड़ी री राड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है ही रोट, मतलब जो कर्ण सिंह है दोस्तों उसी के द्वारा जो है ये बुक भी लिखी गई थी, और उसका नाम था साहित्य कल्पद्रुम। ये प्रीलिम्स एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं देखिए दोस्तों, इसलिए क्या है कि मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आ गया देखो क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो फिर आपसे तब भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ इन चीज़ों को, लेकिन दोस्तों कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन आए ही सही, ठीक है। तो इसके बाद में गंगाधर मैथिल हु वॉज हिज कोर्टियर रोट फॉलोइंग बुक्स नेम्ड कर्णभूषण और काव्य डाकिनी, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए ये 2 बुक का नाम, कि गंगाधर मैथिल जो थी हु वॉज हिज कोर्टियर था, जो कि इसका कोर्टियर मतलब कोर्ट में दरबारी था, और उसने जो है 2 किताबें लिखी थी, एक तो कर्णभूषण लिखी थी जो कि कर्ण के लिए लिखी होगी, कर्ण सिंह के लिए ही लिखी होगी, और दूसरी थी काव्य डाकिनी, ठीक है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो राजा था यहाँ का बीकानेर का, वो था अनूप सिंह। अब अनूप सिंह के टाइम पे ना एक लाइब्रेरी बनी थी, इससे जो है जनरली प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे को ध्यान है जैसा, बीकानेर बीकानेर में इसने लाइब्रेरी बनाई थी, अनूप लाइब्रेरी, ठीक है। तो
तो यहाँ पे जो है संस्कृत की कुछ टेक्स्ट बुक मिलती हैं, और औरंगजेब ने हैप्पीली इसको एंटाइटल किया था अनूप सिंह को इस नाम से, माही भारतीव नाम से इसको एंटाइटल किया था ड्यू टू हिज डेक्कन कैंपेन, क्योंकि ये दक्षिण भारत में गया था और डेक्कन साइड में जो है अच्छे कैंपेन चलाए थे, इसलिए इसको टाइटल दे देता माही भैरव भारतीवा, ठीक है। एंड ही वॉज द कंपाइल्ड द म्यूजिकल टेक्स्ट बुक, उसका नाम था ऑफ, एक्चुअली इसने कंपाइलेशन किया था, कंपाइल किया था राणा कुंभा की जो म्यूजिकल टेक्स्ट बुक थी। अब आपको पता होगा राणा कुंभा तो म्यूजिक म्यूजिक में काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, तो उनके जो म्यूजिक टेक्स्ट बुक्स थी उसको कंपाइलेशन किया था इन्होंने। और एक और काम किया इन्होंने कि इन्होंने कलेक्ट किया डिफरेंट आइडल्स ऑफ हिंदू, जो भी देवी देवता थे, गॉड गॉडेस थे, उनकी सब आइडल्स जो है इकट्ठी की और कैप्ट कैप्ट देम इन 33 करोड़ गॉड गॉडेस टेम्पल इन जूनागढ़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखना चाहें तो ये एक इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में, क्योंकि ये एक 33 करोड़ देवी देवताओं का टेम्पल कहाँ पे है, तो ये पता होना चाहिए आपको। एक तो जूनागढ़ में है और बनाए किसके द्वारा था, तो अनूप सिंह के द्वारा जो है ये टेंपल बनाया गया था। ये एक बीकानेर का शासक है अनूप सिंह, और इसके द्वारा ही ये टेंपल बनाया गया है। अब कई सारे और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों इनके बारे में, कि ही ट्रांसलेटेड वेरियस लिटरेचर टेक्स्ट बुक इंटू राजस्थानी, तो राजस्थानी में कन्वर्ट कराने वाले ये जो थे, ये ही राजा थे जिन्होंने राजस्थानी में संस्कृत की टेक्स्ट बुक को, लिटरेचर को भी कन्वर्ट कराया था। एक तो सुकारी सुकारी का नाम से, एक था बेताल पच्चीसी, एक थी गीता, ठीक है। सो इट वॉज ट्रांसलेटेड बाई आनंद काम के द्वारा, और ये जो सुकारी का है इट वॉज फर्स्ट संस्कृत टुक ट्रांसलेटेड इन पर्शियन, ठीक है, ये कुछ था, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इतना ये भी उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, पढ़ के चल जाएंगे तो बुराई नहीं रहेगी इसमें। द बुक्स रिटन बाई अनूप सिंह, तो जो बुक लिखी गई थी अनूप विवेक थी, काम प्रबंध थी शरद, प्रयाग चिंतामणि थी, इसके अलावा अनूप दया, अनुपोदय नाम से भी बुक थी। मैं ज़्यादा इन पे जो है बहुत टाइम खर्च नहीं करना चाहता हूँ आपका, अनुपोदय नाम से ये बुक थी, और इट इज़ कमेंट्री वर्क था गीत गोविंद के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो था भाऊ भट्ट जो था उनके द्वारा, हु वॉज कोर्टियर ऑफ अनूप सिंह, तो यार ये अनूप सिंह बड़ा सही बंदा था, अनूप सिंह के टाइम पर काफ़ी लिटरेरी वर्क हुआ है, तो भाऊ भट्ट ने भी कुछ किताबें लिखी थी जिसका नाम था संगीत अनूप अंकुश और अनूप संगीत रत्नाकर और अनूप संगीत विलास। तो आप जो है अपने नोट्स में इन सबको ऐड कर सकते हो जिनको भी करना चाहते हो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ आपको चीज़ें कि क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या कम इंपॉर्टेंट है, बट एक आपकी खुद की भी अंडरस्टैंडिंग होती है जो आपको लगता है कि भाई पेपर में पूछी जा सकती है। तो आप देखो पढ़ा मैं सब कुछ रहूँ लेकिन जो है फिर भी दोस्तों मैं यही कहूँगा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ों को नोट डाउन करते चलें अपने पेन पेपर लेकर के, ठीक है, पेपर में नोट डाउन करते जाइए। अभी देखिए नेक्स्ट राजा है सूरत सिंह, अब इसके द्वारा क्या किया गया, तो 1805 AD में ये ऑक्यूपाइड भटनेर, तो भटनेर को इसने ऑक्यूपाइड कर लिया था। दैट डे वॉज ट्यूजडे था, ट्यूजडे का मतलब होता है मंगलवार, ठीक है, मंगलवार को जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया था भटनेर को, एंड देयर फॉर भटनेर वॉज रीनेम्ड एज ए हनुमानगढ़। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये भटनेर को हनुमानगढ़ इनके द्वारा ही ये संज्ञा दी गई थी, क्योंकि मंगलवार के दिन इन्होंने जो है भटनेर के किले पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, तब से जो है उसको भटनेर को जो है हनुमानगढ़ कहा गया, ठीक है। अब तो कभी को मान लो प्रीलिम्स में या किसी और एग्जाम में अगर मान लो आप दे रहे हो और क्वेश्चन आ जाए कि हनुमानगढ़ का पुराना नाम क्या था, तो भटनेर नाम था, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना आप। इन 1814 AD ही इन्वेडेड चूरू को भी इन्वेड किया एंड ऑक्यूपाई इट, एंड एट दैट टाइम ठाकुर शिवजी सिंह वॉज रूलर ऑफ चूरू, चूरू के रूलर उस टाइम के ये ठाकुर शिवजी थे, एंड ड्यूरिंग वार सिल्वर कैनन बॉल्स, ये काफ़ी फेमस घटना है दोस्तों, चांदी के गोले तक फेंक दिए थे इन्होंने, ठीक है, वर बॉम्बर्ड फ्रॉम चूरू फोर्ट, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कौन से किले से ये घटना हुई थी कि चांदी के गोले तक फेंके गए थे, तो ये ठाकुर शिवजी के टाइम पे जो है चांदी के गोले जो है चूरू के फोर्ट से फेंके गए थे, तो ये घटना शायद तक आपसे 2 मार्क्स में पूछ ले दोस्तों, क्योंकि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और थोड़ी इंपॉर्टेंट घटना है जो कि मतलब यूनिक सा यूनिक कंडीशन जो है देखने को यहाँ पे मिलती है इसलिए, ठीक है। अब देखो इन 1818 AD सूरत सिंह डिड सब्सिडरी अलायंस विद ब्रिटिशर, तो देखिए यार
आखिरकार सूरत सिंह ने जो है ब्रिटिशर्स के साथ 1818 एडी में सब्सिडरी अलायंस कर ही लिया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लेते कि कौन था जिसने ब्रिटिशर्स की पहली बार अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, मतलब सब्सिडरी अलायंस कर लिया था, तो वो थे सूरत सिंह। ठीक है, इसके बाद में रतन सिंह आते हैं। तो रतन सिंह के सामने ये था, उनके टाइम पे ये हुआ कि इन 1836 एडी एट गया बिहार ही टुक कोटा अलोंग विद हिज ऑल चिफ्टेंस टू स्टॉप गर्ल किलिंग। ठीक है, तो इन्होंने जो है कुछ ओथ ली थी, सॉरी ही टुक ओथ, इन्होंने जो है शपथ ली थी। यहाँ पे जो है ओथ लिखा हुआ है, OATH, ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। ठीक है, शपथ जो लेता है इंसान वो ओथ लेता है। ठीक है, तो इन्होंने ओथ ली थी रतन सिंह ने कि भाई जो गर्ल्स किलिंग हो रही है उसके अगेंस्ट बिहार में मतलब कुछ एक्शन करवाया जाएगा। ठीक है, और ही कंस्ट्रक्टेड रतन पत्री टेम्पल, रतन पत्री जो भी है टेम्पल इन बीकानेर। ठीक है, तो इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया था इस टेम्पल का। ठीक है, इसका नाम था रत्ना पथाई। ठीक है, रत्ना पथाई टेम्पल यही लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप। अब इसके बाद में जो है दयाल दास सिधायच जो थे चारण पोइट थे, रोट अ बुक नेम्ड बीकानेर रा राठौड़ री ख्यात। देखिए ये बहुत फेमस बुक है, ये बुक को आप इग्नोर ना करें। ये मेरे को लगता है ऐसे क्वेश्चन जो है आरपीएससी ने पहले भी पूछा हुआ है आरएस मेंस एग्जाम में, और ये बीकानेर रा राठौड़ री ख्यात टाइप से जो है ये दयाल दास जो है सिधानियच द्वारा जो भी है बुक लिखी गई है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार राइटर्स पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इन जो बुक्स हैं किसके द्वारा लिखी गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इस बुक में जो है दोस्तों ये बीकानेर के जितने भी राजा थे राव बीका से लेकर के सरदार सिंह तक सबका वर्णन किया गया है। ठीक है, और ख्यात मीन्स होते हैं जेनियोलॉजी, मतलब डिस्क्रिप्शन दिया गया है उनके बारे में। अब सरदार सिंह नेक्स्ट राजा बने थे, और सूरत सिंह के बाद अब सरदार सिंह बने, तो इन्होंने सरदार सिंह तक को कवर किया हुआ है, सरदार सिंह तक। एंड ही वॉज ओनली रूलर ऑफ राजस्थान हु हेल्प्ड ब्रिटिशर्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक अकेले राजा थे जिन्होंने ही ब्रिटिशर्स की मदद की थी 1857 की बैटल में। बाई मूविंग आउटसाइड ऑफ हिज प्रिंसली स्टेट ही डिड वार एट अ प्लेस नेम्ड बर्दलू। ठीक है, नियर हिसार, तो हिसार के नियर बर्दलू में जो है इन्होंने बैटल की थी अंग्रेजों के साथ में मिलकर के, मतलब हमारे भारतीयों के अगेंस्ट में बैटल कर दी थी सरदार सिंह ने। देयर फोर क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद में ये हुआ कि ब्रिटिशर्स हैप्पीली गिवन हिम 41 विलेजेस। ऑब्वियसली देंगे ही सही, और तिब्बी परगना भी दे दिया था ब्रिटिशर्स ने इनको। ठीक है, सरदार सिंह को। अब देखो इसके बाद में होता यह है कि जो महाराजा गंगा सिंह है ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर है। ये इनसे जो है दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन सेक्शन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये सबसे मुझे लगता है कि दोस्तों आरपीएससी 5 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। क्योंकि इन्होंने देखो राजस्थान में जो है गंगा नहर की स्थापना करी थी, गंगा नहर की स्थापना की थी जो कि दोस्तों आज के टाइम पर जो है इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से भी चूँकि जानी जाती है, कैनाल के नाम से। और राजस्थान का जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है उसमें पूरे में जो है ये कैनाल की वजह से ही पानी पहुंच पाता है, जो मेजर मोटे तौर पे 4 बड़ी डिस्ट्रिक्ट है उनमें। ठीक है, तो ही हेल्प्ड ब्रिटिशर्स इन द बक्सर रिवोल्ट ऑफ चाइना। इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स की मदद की थी बक्सर रिवोल्ट में जो कि चाइना के अगेंस्ट हुआ था। बक्सर नहीं था, बॉक्सर था वो, बॉक्सर, बॉक्सर युद्ध हुआ था। ठीक है, उसमें ब्रिटिशर्स की मदद की थी 1899 AD में। देयर फोर ब्रिटिशर एंटाइटल हिम विद द मेडल ऑफ केसर ए हिंद। ये बहुत बड़ा मतलब पुरस्कार होता था इंडिया के लोगों के लिए जिनको केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ही पार्टिसिपेटेड इन द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था महाराजा गंगा सिंह ने आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड ही वॉज द ओनली रूलर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन इट। ठीक है, तो इन्होंने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया था, केवल अकेला भारतीय रूलर था ऐसा
ठीक है, जिसने पार्टिसिपेट किया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो ही वॉज द ओनली रूलर ऑफ राजस्थान हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज. ये भी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हर पॉइंट इनके बारे में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन में. इस तरीके से जो है महाराजा गंगा सिंह का क्या योगदान रहा था राजस्थान के इतिहास में, वो पूछा जा सकता है आपसे. और इसके बाद ही ग्रांटेड मैक्सिमम फाइनेंशियल एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में भी इनका जो है बड़ा योगदान था. तो इनको जो है लाइफ टाइम चांसलर बना दिया गया था BHU का. ठीक है, तो ये चीज़ है, आप इस बात का ध्यान रखना. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद में. तो नेक्स्ट जो है गंगा सिंह जी के बारे में बताया गया कि 1927 में जो है इन्होंने कंस्ट्रक्शन करा था गंग कैनाल का. ठीक है, गंग नहर जो है गंग कैनाल का इन हिज स्टेट, एंड द इनॉग्रेशन ऑफ गंग कैनाल वॉज डन बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन. तो लॉर्ड इरविन खुद आया था उस टाइम पे इनॉग्रेशन करने के लिए गंग कैनाल की. और इन पंजाब द गंग कैनाल इज कॉल्ड बीकानेर केनाल. बीकानेर के नाम से भी जाना जाता था इसको, बीकानेर केनाल के नाम से भी गंगा केनाल को पंजाब में जाना जाता था. और देयर फॉर गंगा सिंह कॉल्ड भागीरथ ऑफ राजस्थान. चूंकि इन्होंने देखो भागीरथ, जैसे भागीरथ ने जो है इंडिया में गंगा रिवर को लेकर के आए थे, उसी तरीके से ये माना जाता है कि गंगा सिंह के द्वारा जैसे कि गंग केनाल राजस्थान में बनाई गई थी, तो इसलिए इनको जो है भागीरथ ऑफ राजस्थान भी कहते हैं. ही वॉज अ क्लासमेट ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन. तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है ये कि भाई लॉर्ड माउंटबेटन के क्लासमेट भी थे ये. और हिज केमल आर्मी वॉज कॉल्ड गंगा रिसाल. तो इनकी जो है ऊँटों की सेना थी. ठीक है, केमल आर्मी थी जिसको बोलते हैं गंगा रिसाल भी कहा जाता है. और ही प्रोवाइडेड मॉडर्न फॉर्म टू द टेम्पल्स ऑफ बीकानेर स्टेट विच आर रामदेवड़ा. इन्होंने रामदेवड़ा का टेंपल बनाया बीकानेर में, गोगा मेदी का टेंपल बनाया इन्होंने, देशनोक का टेंपल बनाया. ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट टेंपल इनके द्वारा बनाए गए थे. और ही डिड जेल रिफॉर्म्स एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स इन बीकानेर. तो काफ़ी कुछ योगदान है दोस्तों इनका गंगा सिंह जी का, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, और इनको इन्होंने कुछ जेल रिफॉर्म्स कराए, इन्होंने रेलवे सिस्टम भी डेवलप किया था, और इन्होंने मतलब स्टार्ट करवा दिया था रेलवे सिस्टम. और ही एस्टेब्लिश्ड प्रजा प्रतिनिधि सभा. तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में मोस्टली, प्रजा प्रतिनिधि सभा. लेकिन आप ओवरऑल पूरे ही गंगा सिंह जी के टॉपिक को जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करके जाएं. ठीक है, 1913 AD में बनवाया था उन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा. एंड ही वॉज द फर्स्ट क्या थे, चेयरमैन थे किसके, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के. ठीक है, जो कि एस्टेब्लिश की थी 1921 AD में. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बताई गई है. तो ही कंस्ट्रक्टेड लालगढ़ पैलेस इन बीकानेर इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर लाल सिंह. तो लाल सिंह की मेमोरी में ही इन्होंने लालगढ़ पैलेस का बीकानेर में भी स्थापना की थी. ठीक है, इसके अलावा देखिए जो लास्ट रूलर है वो है शार्दुल सिंह. ठीक है, शार्दुल सिंह है ये, इनका जन्म जो ये जो रूलर थे ये बीकानेर के इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम के रूलर थे. ये फर्स्ट रूलर थे फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स हु डिक्लेयर्ड टू मर्ज इनटू इंडिया. तो उस टाइम पे वही है इंडिया का एकीकरण हो रहा था, तो इन्होंने जो है हामी भर दी थी शार्दुल सिंह ने. इसके बाद में कोई जो है बीकानेर का इतिहास नहीं है दोस्तों. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, ये तो हिस्ट्री ऑफ राठौड़ ऑफ किशनगढ़ दे रखी है वैसे दोस्तों. तो एक काम करते हैं दोस्तों, इसी वीडियो में जो है इसी वीडियो में हम इनकी हिस्ट्री को भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हिस्ट्री तो हिस्ट्री ऑफ चौहान की है. ठीक है, तो उसकी बड़ी वीडियो बनेगी, तो हिस्ट्री ऑफ चौहान बड़ी पड़ेगी. तो हम एक काम करते हैं, जो हिस्ट्री ऑफ राठौड़ ऑफ किशनगढ़ है उसको भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में. ठीक है, राठौड़ ऑफ किशनगढ़, इनकी 1609 AD में जो है किशनगढ़ वॉज एस्टेब्लिश किया गया था किशन सिंह के द्वारा. ठीक है, एंड हु वॉज सन ऑफ रूलर ऑफ जोधपुर. तो जोधपुर के जो रूलर थे उनके पुत्र थे किशन सिंह, उनके द्वारा किशनगढ़ की स्थापना हुई थी 1609 AD में. एंड नेम्ड था इनका मोटा राजा उदय सिंह. ठीक है, तो मोटा राजा उदय सिंह जो थे
तो मोटा राजा उदय सिंह जो थे जोधपुर के जब राजा थे उनके पुत्र जो है किशन सिंह के द्वारा किशनगढ़ की स्थापना की गई थी, ये बात कही गई है यहाँ पे। अब जहांगीर ने प्रोवाइड किया था इनको टाइटल महाराजा का टू द रूलर ऑफ किशनगढ़, ठीक है। सावन सिंह जो है इनके टाइम के एक इम्पोर्टेंट रूलर हुआ करते थे किशनगढ़ के, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया क्योंकि इनका कुछ ना कुछ जरूर योगदान रहा है, ठीक है। तो ही क्विट्स हिज किंगडम एंड थ्रोन एंड सेटल्ड इन वृंदावन एंड ही वॉज ग्रेट वॉर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। देखिए ऐसे इंसान की तो बहुत इज्जत होनी चाहिए क्योंकि देखिए इन्होंने जो है लॉर्ड कृष्णा की जो है वॉर्शिपिंग की अपने सारे साम्राज्य को छोड़ करके, लॉर्ड कृष्णा की वॉर्शिपिंग में जो है वृंदावन चले गए थे और ही बिकेम फेमस बाय द नेम ऑफ नागरी दास, ठीक है। नागरी दास के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है, सावन सिंह जी को, ठीक है। और ये किशनगढ़ के थे। और इसके अलावा अगर देखें तो नोट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि भाई नराथा डिडंट एक्चुअली सॉरी मराठा जो है ये मराठा के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे, मराठा डिडंट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम जैसलमेर बीकानेर और किशनगढ़। ये तीन रियासतें थी जहाँ से जो है कभी भी मराठा ने टैक्सेस को वसूला नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए मराठा द्वारा कौन से टैक्सेस लगाए जाते थे दूसरे किंगडम्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स सॉरी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें ताकि जो है मेरे को भी पता चले कि आप में से कितनों को जो है ये पता है कि मराठा द्वारा कौन कौन से टैक्सेस लगाए जाते थे। क्योंकि मराठा के बारे में हमने जो है मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है और मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें मराठास का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था, तो वो बताया जाता है मराठास के बारे में, ठीक है। तो उनके द्वारा जो टैक्सेस लगाए जाते थे अदर किंग्स के ऊपर वो भी लिखिए आप, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों जो चौहान हैं उनका इतिहास को पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से चौहान राजा हुए उनके टाइम पे क्या हुआ थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे ताकि आपको पता रहे कि मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कवर अप कर सको, ठीक है। तो अभी तो दोस्तों मैं इस वीडियो को जो है एंड करने की दिशा में जा रहा हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब तक जो वीडियोज़ नहीं देखी उनको कवर कर लो ताकि आपके RS मेन्स एग्जाम में जो है काफ़ी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और ये जो जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका मैंने एनालाइज यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम का हो, 2013 16 2018 के सभी पेपर्स का एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है। इनको जाकर के देखो और बार बार देखो क्योंकि यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि RPSC एक्चुअली पेपर कैसे बनाना चाहती होती है और किस तरीके से पेपर्स में एनालिसिस हमको करना चाहिए। सिलेबस के साथ में लिंक करके मैंने इनका एनालिसिस आपको अब तक में करके दिया है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी बनाई गई हैं, तो आप जाकर के देखें जितना आप के अंदर क्लैरिटी आएगी उतना अच्छे से आप RS के मेन्स एग्ज़ाम को क्लियर करने में ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ दोस्तों और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सारी इंपॉर्टेंट बुक्स का लिंक दे रखा है उनको चेक कर लेना ताकि जो है आपको पता चल जाए पहले से कि RS के इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स हैं उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। दोस्तों वीडियो को अभी एंड करता हूँ, वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।